हेलो एवरीवन, स्मार्ट जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। 3 जून का इतिहास। ऑपरेशन ब्लू स्टार 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरवाला और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया। छह जून की शाम तक स्वर्ण मंदिर में मौजूद भिंडरवाला व अन्य चरमपंथियों को मार गिराया गया। भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रूमा पाल का जन्म 3 जून 1941 में हुआ। न्यायमूर्ति रूमा पाल सुप्रीम कोर्ट के पूरे इतिहास में न्यायाधीश बनने वाली तीसरी महिला हैं। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमा पाल। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला न्यायमूर्ति हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कवि जी शंकर कुरूप का निधन 3 जून 1901 में हुआ था। गोविंद शंकर कुरूप मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। साल 1965 में उनकी प्रसिद्ध रचना बांसुरी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। बांग्ला कवि व दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1915 में नाइटहुड या सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तेरह अप्रैल 1919 में हुए जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। दक्षिण भारत की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले एम करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924 को तमिलनाडु में हुआ था। करुणानिधि 1971, 1976, 1991 और 2001 और 2011 में 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। करुणानिधि का असली नाम दक्षिण मूर्ति है। राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले वह तमिल फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखा करते थे। करुणानिधि ने 1952 में आई शिवाजी गणेशन की डेब्यू फिल्म पर शक्ति की स्क्रिप्ट लिखी थी। पूर्व अमेरिकी बॉक्सर मोहम्मद अली का निधन 3 जून 2016 में हुआ था। श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले त्रिभुवनदास कृषि भाई पटेल का निधन 3 जून 1994 में हुआ था। कुरियन तथा त्रिभुवनदास पटेल ने दूध के उत्पादन का प्लांट लगाया और 14 दिसंबर 1946 में अमूल प्लांट की स्थापना हुई थी। मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक 3 जून 1999 को लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए थे।